हफ्ते मुद्दे की बात शैलन पाराशर के साथ सिर्फ आयन 7 न्यूज पर। नमस्कार, आयन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति, आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आईएन 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलन पाराशर इस वक्त हम मौजूद है सागर जिले में, जहां हमारे साथ लोकसभा सीट प्रबल दावेदार सुशील तिवारी मौजूद हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं और प्रबल दावेदारी क्षेत्री में इनकी नज़र आ रही है। खास मुलाकात में आज हम चर्चा करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और दावेदारी पर क्या कुछ नतीजे हैं। तिवारी जी, क्या नतीजे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं और दावेदारी आप बीजेपी में कर रहे हैं? सागर में एक तो मुद्दा है कि सागर विश्वविद्यालय में जब से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना उसके लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया, परंतु हमारे जो स्थानीय जिले के छात्र हैं, संभाग के छात्र हैं, उसमें उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह पीड़ा पूरे ज़िले में है। तो इसके लिए राजकीय विश्वविद्यालय की मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है और निश्चित ही वह मांग शायद पूरी हो जाएगी। तो छात्रों के लिए यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सुविधाएं हो, ऐसा हम लोगों का सोचना है। सागर के तालाब का मामला है, बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और सागर का और सागर जिले का जितना भी लोकसभा क्षेत्र है पूरे का विकास होना चाहिए, क्योंकि अभी फिर भी हम अन्य लोकसभाओं की तुलना में, अन्य जिलों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हैं, बहुत काम बाकी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित ही सफलता भी मिलेगी और सागर एक विकसित जिला होगा, ऐसा मेरा मानना है, यही मेरा मुद्दा है। देश दुनिया में आपके छोटे भाई मुकेश तिवारी फिल्म के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं और नेता फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो भी समर्थन करेंगे आपके चुनाव में क्या? देखी हुआ है तो मेरा छोटा भाई है और हमें गर्व है कि वह इतना बड़ा कलाकार है और निश्चित ही हमारे लिए परिवार को गर्व है और पूरे सागर को गर्व है कि बंबई में सागर का एक नौजवान नाम कमाता है, तो हम सब का सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है। जहाँ तक समर्थन की बात है तो आज तक मैंने जितने भी राजनीतिक मैंने पहले भी चुनाव लड़ा तो पूरे समय मुकेश तिवारी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ संघर्ष किया और निश्चित ही नौजवानों में, जनता में मुकेश तिवारी का एक बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा नाम है। तो वह तुम्हें हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य, वह निश्चित ही करता है और करता रहेगा। बुंदेलखंड का केंद्र है सागर और यहाँ पलायन, रोजगार और तमाम ऐसी चीज़ें ग्रामीण में आती हैं, इन मुद्दों को कैसे आप चुनौती पूरी करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। निश्चित ही सागर से बहुत पिछड़ा क्षेत्र पलायन हो रहा है, तो हमारा यही सोचना है कि जैसे इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार ने पहले आईटी कंपनियों को जगह दी, आईटी कंपनियों को नॉमिनल रेट पर जगह दी और उसके बदले में शर्त रखी गई कि इंदौर के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के नौजवान को आईटी कंपनियों में प्राथमिक स्तर पर रोजगार मिले, वही मेरा कहना है कि सागर में भी सरकारी ज़मीनों की कमी नहीं है। हम बड़ी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस हैं, टाटा है, जो भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, उनको यहां पे जगह दें और उनके बदले में उनसे अपेक्षा है कि वो या मांग करें या शर्त रखें कि वे सागर के ज़िले के नौजवानों को उसमें रोज़गार दें, तो निश्चित ही किसी हद तक यह रोज़गार की समस्या हल हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सवालों का बेबाकी से जवाब देने के बाद। प्रबल दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं और भरोसा भी करते हैं कि चुनाव की जिम्मेदारी अगर बीजेपी उनको देती है तो उसको पूरा करेंगे। अब तक की खबरों बस इतने ही, मुलाकात होती है अगली लोकसभा में आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त।